बोला इसमें आप गाली दे, तो फिर आरोप लग रहा है आप गाली दे, आप इससे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, मंडी वाला, अच्छा जो किसानों के साथ अपने बटेगढ़ मंडी में, बिल्कुल गाली देंगे हम, गाली भी देंगे, मारेंगे भी, मुझे किसी का डर है क्या? जनता के साथ गलत होगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। आप देख रहे हैं मंडी में कि एक सर्वेयर पास करके जा रहा है उनका माल, और दूसरा जो उधर ही कुछ मतलब कुछ समय पहले उसको मतलब सस्पेंड कर दिया है और अलग कर दा उकेलान है, और वो ही उतर किसानों के माल फेल कर रहा और पैसे मांग रहा। भाई ये मिली जुली सरकार नहीं है, कर्मचारी और जो उधर बैठे हैं मतलब अधिकारी, तो दलालों के द्वारा तुम पास करके गए, पर्ची बना के गए सर्वेयर के जिसका पास है, और उधर के ही कर्मचारी उनके माल के लाने भरे भराए बारदाने को बाहर कुड़लवा रहा है और बोल रहा है कि नहीं ये तो फेल है। भाई जब सर्वेयर पास करके जा रहा हो तो दलाल लोग कैसे हैं? तो चंद लोग घुसे हैं भीतर मंडी के अंदर, उन्होंने गाली नहीं दें, मार हैं ना हम, क्यों ना मारें, क्यों ना गाली दें, मार हैं भी और गाली भी दें, जनता के हित के लाने हम तो जो कर जो हमसे बन पड़े हैं बोकर हैं, हमें किसी के डर नहीं है। नहीं वो कौन कोई कर्मचारी है क्या? कर्मचारी एक चपरासी है, वो चपरासी था एक, और एक कर्मचारी था जो अभी अभी उसका लेटर नहीं आया पर वो सस्पेंड हो गया इसी कारनामों की वजह से, पर इनके बावजूद भी वो लोग उधर लगे हैं। भाई तो और जो अधिकारी हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जानकारी तो होगी उनको, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की बिना मर्जी से कोई चपरासी और कर्मचारी है कि जो सस्पेंड हो गया है और उसके लिए वो अंदर जाके वो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। भाई उनको कुड़लवा रहा हो, चार चार बार छन गए उनकी हाथों में भट्टे पड़ गई, जाय स्थिति है किसानों की, और तुम फिर कुड़लवा रहे पास करके गए सर्वेयर, तो हम मारते और जाओ और बता देते मीडिया के सामने के मार हैं, और अगर किसान हो या किसी को परेशान करो करो जो है तो मार है, वह तो गाली में से आदमी।